दिस इज राबे रशीद एंड टूडे वी आर डूंग द टॉपिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें दो पास्ट क्वेश्चन तो मैंने निकाले हैं बाकी आप लोग खुद ढूंढें एक है क्रिटिकली एवेल्यूट द एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी इन द सब कॉन्टिनेंट और दूसरा क्वेश्चन जो है नो है अच्छा राइट डिटेल्ड एंड अच्छा दीदी ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पुराना है ठीक है ये वाला मुस्लिम आइडेंटिटी वाला आप फ़िलहाल करें इसको देखें ठीक है इसमें जो है ना आपको पता चलेगा कि मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी जो थी ना ये एवॉल्व हुई थी इसकी एवोल्यूशन हुई थी ये एकदम नहीं कहीं से आ गई एवॉल्व कैसे हुई जो हमने कल टाइमलाइन तैयार की थी सेवन फिफ्टीन ए डी में जब मोहम्मद बिन कासिम पहली दफ़ा सिंध आता है तो जो कायद आज़म ने फ्रेज़ यूज़ किया था के मुस्लिम नेशन हुड की तो बुनियाद ही उसी दिन पड़ गई थी व्हेन द फर्स्ट हिंदू बिकेम अ मुस्लिम तो ये तब से बात शुरू होती है कहानी हमारी फिर महमूद गजनवी का हम जिक्र करेंगे थोड़ा थोड़ा यानी हमने हेडिंग्स देते जाना है और बात जो है ना अपनी कंप्लीट करते जाना है फिर मैंने आपको मुगल एरा में अकबर का बताया था तो अगर आपने तैयार करते थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि अकबर ने ना एक सिंक्रेटिक uh, रिलीजन एक नई पॉलिसी उसने दीन इलाही की इंट्रोड्यूस करवाई थी इट वॉज़ मोर लाइक अ सेकुलरज़म के यानी सारी रिलीजनस जो है ना वो बराबर होंगी और इस तरह का कुछ था इस नैरेटिव को काउंटर शेख अहमदी ने किया था उन्होंने उसके एक मुखालिफ नजरिया दिया उनकी एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है वो भी हम आज उसके नोट्स तैयार करेंगे तो खैर ये पर्सनालिटीज़ और ये जो है ना रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट आती जाएंगी ये सारा ही हमारे आइडियोलॉजी के आ, इस पोर्शन को बैक करेगा ठीक है इसके बाद शाह वली शाह वली ने भी मुस्लिम आइडेंटिटी को काफ़ी प्रोमोट किया था इवन व्हेन देर वाज द प्रसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स एट द हैंड्स ऑफ मराठाज तो उन्होंने ख़त लिखा था um, शेख शाह अहमद दुरानी को अफगानिस्तान के बादशाह को और कहा था कि हमारी मदद करो बिकॉज वी आर ऑल्सो मुस्लिम्स और इसी तरह उन्होंने जो है एग्जांपल दी थी कि नादिर शाह आया था ईरान से तो उसने मुसलमानों को प्रोसिक्यूट किया था तो देखो तुम ऐसे ना करना तो ये सारी एग्जांपल्स आती जाएंगी फिर सैयद अहमद शहीद जो है उनका जो है काफ़ी ज़्यादा रोल है एक मूवमेंट में ठीक है और फिर एक पराइजी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी बंगाल में तो ये सारी चीज़ें इनका थोड़ा थोड़ा जस्ट आपने देते जाना है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में और टू नेशन थ्योरी में फिर जी मेन चीज़ इसमें ये आ जाती है सबसे पहली चीज़ विच आई इग्नोर्ड वो थी डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी जब मैं खुद भी पढ़ रही होती थी ना तो मैं इग्नोर करती थी और आज जब आपको लेक्चर देने लगी तो मुझे समझ आई कि वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजी का जो वर्ड है ना ये मार्क्सिस्ट और एंजल्स जो है ना सॉरी मार्क्स और एंजल्स की थ्योरी है कि उनका एक आइडिया है कि आइडियोलॉजी जो है ना इट्स इट्स एक्चुअली द आइडियाज़ ऑफ़ रूलिंग क्लास ये उनकी डेफिनेशन है आइडियोलॉजी की कि जो रूलिंग क्लास होती है ना जो टॉप पे लोग होते हैं उनकी जो थॉट्स होती हैं जो उनका एजेंडा होता है वही आइडियोलॉजी होती है और ना सिर्फ वो इकोनॉमिकली लोगों को लीड कर रहे होते हैं बल्कि वो इंटेलेक्चुअली भी लोगों को लीड करते हैं एंड वाई इज़ दिस डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट तो ये हम क्रिटिकल एनालिसिस में करेंगे इसको अच्छा जी फिर इकबाल विजन इकबाल ने विजन दिया था ठीक है वो जो है उनका फेमस एड्रेस है खुतबा ख़ुतबालाबाद वो आपने इसके अंदर थोड़ी सी उसके कोटेशंस डालें ठीक है उसको देखें इकबाल का ये विजन था कि जी एक हो मुस्लिम हर हम की पासबानी के लिए और ख़िलाफत मूवमेंट का भी थोड़ा सा आप इसमें देंगे इसके अलावा वो जो बंगाल सेपरेशन हुई थी बंगाल को दो पार्ट्स में लॉर्ड कर्जन ने किया था वो एक पोलिटिकल मतलब पोलिटिकली अवेकनिंग जो मुसलमानों की स्टार्ट हुई थी ना उसने भी टू नेशन थ्यूरी को बहुत ज़्यादा एम्पिटस दिया था फिर जी कायदे अज़म के व्यूज़ जो है ना इसमें बहुत मज़े के हैं क्योंकि मैंने आपको शुरू में कायदे अजम का वो जिक्र किया कि उन्होंने कहा था कि मुस्लिम्स आर अ नेशन बाय एवरी डेफिनेशन ऑफ अ नेशन और सारी बातें करके और उसके बाद जब पाकिस्तान बनता है ना तो किसी एक जगह पे लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना वो कहते हैं के इस जो है ना नए मुल्क का निज़ाम जो है आ, मतलब इसकी जो पॉलिसीज होंगी ना मतलब वो अकबर को तो ना थोड़ा वो हाईलाइट करते हैं कि अकबर द ग्रेट आ, की जो है ना पॉलिसीज के मुताबिक होंगी इट्स समथिंग लाइक दैट वो प्लीज़ आप सर्च कर लें बल्कि कॉमेंट्स में भी लगा देने मैंने सर्च कर रही थी मुझे वो मिला नहीं अपनी तैयारी के दौरान मुझे बहुत अच्छा याद था तो उसने जो है ना आइडियलाइज कर, कर वो करवाने की कोशिश करता है अकबर द ग्रेट को लेकिन कायदे अजम जब उसके बाद स्पीच करते हैं ना तो वो कहते हैं कि नहीं हम हम जो अपने गोल्डन रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं ना वो प्रॉफिट ऑफ़ इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते हैं तो यानी कायदे आजम जो है ना वो इस सेकुलर नैरेटिव को रद्द करते हैं और वो प्रॉफिट सलील आसलम का बड़े वाजल अल्फाज में जिक्र करते हैं फिर वो जो इनाग्रेशन ऑफ स्टेट बैंक वाला आपको सबको कोटेशन याद होगी जिसमें वो कहते हैं कि हमारा जो है वो रिबा फ़्री सिस्टम होगा वो गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ़ इस्लाम पे होगा तो बेसिकली हमारी बात जो है ना वो साबित ये करती है कि जितने भी लीडर्स थे पाकिस्तान मूवमेंट के जितने जितने भी हमारे स्कॉलर्स से जितनी भी हमारी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स गुजरी हैं उसका एक चीज़ उससे वाजे होती है कि मुस्लिम्स वर ऑलवेज सेपरेट ठीक है मजीद इसमें हिंदुओं का एक एस्पेक्ट मतलब कि हिंदुओं से हम हर चीज़ में डिफरेंट थे हमारा एजुकेशनल पॉलिटिकल लीगल सिस्टम हर चीज़ डिफरेंट थी उसकी एग्जाम्पल लें काओ जो है उसको हिंदू वेनरेट द काओ उसकी इतनी इज़्ज़त करते हैं उसको इन उसकी इबादत करते हैं उसको जो है बहुत मतलब बड़ा एक मुकाम देते हैं और मुसलमान जो है वो काओ को आ, सिर्फ मतलब एक वो चीज़ एक नाम नियमत समझते हैं कि जो अल्लाह ने उनके लिए मुश्फर कर दी है वो उसको ज़िबा भी करते हैं उसका गोश्त भी खाते हैं उसका दूध भी इस्तेमाल करते हैं जबकि जो काओ का यूरन है वो हिंदुओं के लिए एक बड़ी मुकदस चीज़ है और मुसलमान उसको नापाक कहते हैं इसी तरह मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि ये मतलब किसी भी तरह से ना कोई सिमिलरिटी थी ही नहीं किसी भी चीज़ में इवन लीगल सिस्टम्स में उनके और तरह के असूल हैं फिर शादी ब्याह के उनका और सिस्टम है हमारा और तरह क्या है तो कोई वो चीज़ एक थी ही नहीं जो एक मतलब एक लेफ्टिस्ट प्रोमोट किया जाता ना आइडिया के इतनी दूर से अरब से अपनी सिमिलैरिटीज़ हमें लाने की क्या ज़रूरत है हम तो हिंदुओं से ही मुसलमान हुए थे तो हमारा एक वो कल्चर था देखें जहाँ तक मिलजुल के रहने बात है ना वो अपनी जगह और लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना वो अपनी जगह लेकिन एक आइडियोलॉजी एक आपकी जो है ना रूट वो और चीज़ होती है और वो आपको शुरू से नजर आ रही है कि मुसलमान जो थे सब कॉन्टिनेंट के वो अपनी जो है हिस्ट्री ट्रेस करते ही कहाँ से थे वो इस्लाम से करते थे वो खाना काबा की सरज़मीन यानी मक्का से करते थे तो यानी ये चीज़ कि हमारी जो पाकिस्तान की बेस और बुनियाद बनी ना वही इसकी आइडियोलॉजी है इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल लाइफ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपको आ सकता है किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब क्या रेलिवेंस है वॉट इज़ द रेलिवेंस इन टूडेज़ वर्ल्ड या इन करंट सन्रियो ऑफ द आइडियोलॉजी इन नेशनल लाइफ तो आप उसको कैसे लेके चलोगे अगर तो आप कहोगे कि जिसकी कोई ही नहीं है और आप जो है ना हम सबको एक हो जाना चाहिए और ये वो तो एग्ज़ामिनर क्या सोचेगा <laughs> वो यही सोचेगा ना कि इसको तो अपनी हिस्ट्री की कोई भी बात नहीं पता या ये उन सारी चीज़ों को उन सारी मेहनतों को रद्द कर रहा है और मतलब इसके तो जो ख़्याल ही जो है ना वो बड़े अजीब से हैं और जो है ना वो तो सेपरेट सिस्टम सेपरेट एक नेशन हुड का ही इसका बंदे का ख़राब है तो इसमें जो है ना आपको यानी यहाँ पर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और टू नेशन थ्यूरी को बहुत अच्छी तरह समझना होगा आप क्रिटिकल एनालिसिस इसकी आ जाए इसमें जो बात है ना वो इसकी डेफिनेशन में है कि okay, एक ये भी कहा जाता है कि इट वाज एक्चुअली जो पाकिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट थी और वो सारा कुछ वो एलिट्स के हाथ में रहा और जो एलिट्स हैं ना इसका मैं यहाँ पे मेरे पास कोई सहूलत नहीं मैं बोर्ड पे आपको जो है ना जो क्लास के बच्चे उनको बना के दिखाऊंगी एक ट्रायंगल में बनाती होती जैसे हिंदूज में क्लास सिस्टम था ना कि एक ब्राह्मण क्ला, क्लास है जो इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है फिर खशतरी हैं फिर शूदर हैं वेश हैं तो जो मुसलमान हैं ना उनके अंदर भी मोर और लेस इस तरह का एक पिरामिड है कि एक अलीट क्लास है जिसको अच्छा तबका अशराफिया जो है ना लाइक दे वर लीडिंग एवरीथिंग उनकी बात सुनी जाती थी उनकी बात मानी जाती थी और उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और जो मिडिल क्लास थी उसके बाद लोअर क्लास फिर लो low, मतलब लोअर मिडिल क्लास और फिर लोअर क्लास तो वही उनके साथ सलूक होता था उठना बैठना रहन सहन इवन ग्लास वग़ैरह यानी आप कभी वो देखते हैं ना कि हमारे घर घरों में अब बहुत जगहों पर तो नहीं है ये लेकिन कई जगहों पर कभी कभी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि लोग कहते हैं कि जी सफाई वाला आया है ये काम वाली है, ये उसके बर्तन अलीदा कर दो बल्कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि majority में अभी भी ये चीज़ है कि उनके बर्तन अलहदा कर दो वो हमारे अच्छे बर्तनों में खाना ना खाएं उनके बर्तन सेपरेट होने चाहिए तो जो है मतलब ठीक है अगर आप कोविड uh, नाइन्टीन है या कोई ऐसी वजह है वो और बात है लेकिन जो आप ये करते हैं ना कि उनको तो जी स्टील का ग्लास और इस तरह की चीज़ दे दी तो ये था ये तब से है ठीक है जब मतलब सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स थे तो इसको यानी ना ये अब आपने देखना इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो बड़े आपको हर्टफुल किस्म की चीज़ें मिलेंगी और इंसान पहले हर्ट होता है लेकिन फिर आपको समझ आती है कि ये चीज़ें जो है ना ये थी उस सोसाइटी में मुसलमानों में ये थी इवन रिलीजस जो था ना हमारा एक क्लास थी वो भी ऐसे कर रही थी उनमें भी ये डिविजन्स थी तबका का इशराफिया था और यहाँ तक मतलब यानी कि पोलिटिकल भी अलीट्स थे और जो है ना ये लोग अपने से कमतर लोगों को मतलब वो नहीं समझा जाता था ठीक है अब मुझे मतलब यानी आप हाँ एक मैं वर्ड लिख के आई थी अपने पेपर में भी ना कि जो सबसे निचली क्लास थी ना वो चूड़ा क्लास ठीक है वो जो चूड़े आप कहना मैंने उसको इंग्लिश में ऐसे ही लिखा था चूड़ास तो वो जो है आपके अभी भी यानी इवन पाकिस्तान बनने के बाद भी उनकी कोई हालात नहीं सुधरे इवन उनका बच्चा कोई जो है वो बन भी जाता था कुछ भी पढ़ लिख जाता था तो वो हम लोग उसकी कभी नहीं भुलाते कभी भी नहीं हम आ, मतलब यानी कोई शख्स जो है मतलब कितनी ज़ातें रखी हुई है ना लोगों के उल्टे सीधे नाम रखे हुए तो फलां जात से है और रिश्ते और शादी बया यानी क्या ये हिंदू सिस्टम के साथ मिल नहीं रही है बात के जैसे वो नहीं शादी करते थे आ, एक क्लास दूसरी से तो हमारे यहाँ बरदरी और कास्ट सिस्टम कितना स्ट्रॉग था और इवन क्लास सिस्टम यानी जो इकोनॉमिक क्लास सिस्टम है ये भी बहुत स्ट्रांग है ये आज भी बहुत स्ट्रांग है कि कोई रिश्ता आए तो जी बैंक बैलेंस देखो हमसे उनचे घर का हो तो हम करेंगे हमसे ज़रा भी नीचे हो तो या तो सारी उम्र अगर रिश्ता हो जाता है तो ताने देते रहते हैं तो ये सारी चीज़ें चलती हैं ठीक है थीके? तो ये क्रिटिकल एनालिसिस में आप लिखेंगे कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद पे टू नेशन थ्योरी पे पाकिस्तान तो बन गया पर उसके सिस्टम में वो इक्वालिटी वो चीज़ वो इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकी जिसकी बेस पे हमने एक वो किया था क्लास सिस्टम वैसे ही रहा प्रोसिक्यूशन बहुत सारे हमारे जो है क्लासेस की वो होती रही और उनको उनके राइट्स नहीं मिले तो और यहाँ पे भी यही हुआ कि जब पाकिस्तान बन जाता है तो जो अलीट क्लास थी पॉलिटिकली अलीट क्लास थी एंड तक उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ बन एक आम आदमी के तो थोड़ा सा इस तरफ आपने इसका एक देंगे आप इसको जो है ना इस चीज़ का रुख क्योंकि ऑल इज़ नॉट वेल यू नो दैट ऑल इज़ नॉट वेल